हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम जीसी स्कूल। आज हम क्लास थर्ड में हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 11 दीपावली के आपको शब्द अर्थ कराएंगे। कल हमने आपको इसकी बुक वर्क करा दिया था और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमें आज आपको शब्द अर्थ कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में इन शब्द अर्थों को लिखेंगे भी और उसके बाद याद भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शब्द। सबसे पहले है शब्द महत्वपूर्ण। मीन्स खास या विशेष। नेक्स्ट है प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व, प्रकाश पर्व माने रोशनी का त्योहार। रोशनी का त्योहार। अगला है सुख समृद्धि। सुख समृद्धि। सुख समृद्धि मीन्स धन संपदा। धन संपदा, धन संपन्नता। यानी कि धन की कोई कमी ना होना और खुशियों की भी कोई कमी ना होना, सुख समृद्धि। फिर है विजय। विजय का अर्थ है विजय, वो तो आपको पता ही होगा। विजय माने जीत, यानी जब हम किसी पर जीतते हैं तो हम कहते हैं हम विजयी हो गए, जीत गए। तो विजय का अर्थ हुआ जीत। नेक्स्ट है संदेश। संदेश माने प्रेरणा या उपदेश। किसी को उपदेश देना, प्रेरणा देना, या हम कह सकते हैं संदेश देना, समाचार भी होता है संदेश देना, कि हमने उसको संदेश पहुंचाया, समाचार पहुंचाया, खबर पहुंचाई। तो संदेश का अर्थ हो गया समाचार भी, खबर भी, प्रेरणा या उपदेश भी। आगे है अंधकार। अंधकार माने अंधेरा। नेक्स्ट है आपका अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है जिसमें ज्ञान ना हो या मूर्ख। हम कह सकते हैं मूर्ख, या जिसमें ज्ञान नहीं है, या जिसको किसी चीज की जानकारी नहीं है। तो अज्ञान माने जिसे किसी बात की जानकारी ना हो। ना हो तो बच्चों ये हो गए
आपके चैप्टर नंबर 11 के शब्द हैं। इनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। तो टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।